देखो भैया, क्रिकेटर से जिस तरह जर्सी अलग नहीं रख सकते, उसी तरह क्रिकेट से कंट्रोवर्सी अलग नहीं रख सकते। नमस्ते मैं बहुआ। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्रोवर्सी स्पेशल रणतंत्र। पिछले हफ्ते क्रिकेट की दुनिया में इतने फड्डे हुए कि उनको देख देख कर हमारे दिमाग में गड्ढे हो गए। एक रायता हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, वो क्या है ना कि पहले अपना घर देखा जाता है, फिर किसी दूसरे के फटे में टांग अड़ाई जाती है। दूसरा रायता जो फैला है उसके केंद्र बिंदु में है क्रिकेटर रिद्धिमान साहा। अब जरा डिटेल में आपको बता देते हैं कि हुआ क्या। 19 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की टीम अनाउंस होती है। इस टीम में साहा का नाम शामिल नहीं है। धोनी के रिटायरमेंट के बाद से ही साहा इंडियन टीम के विकेट कीपर रहे हैं और ऋषभ पंत की टीम में एंट्री होने के बाद से वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर खेले हैं। विकेट के पीछे साहा गजब है। कहने का मतलब ये है कि अगर बात सिर्फ विकेट कीपिंग की हो तो उनसे ज्यादा बेहतरीन ग्लव वर्क इस वक्त हिंदुस्तान में किसी एक्टिव विकेट कीपर का नहीं है। ऐसे में साहा को ड्रॉप करने का सेंस किसी को समझ में ही नहीं आया। साले दगाबाजो। लेकिन जो आया वो था साहा का बयान। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में साहा ने ये खुलासा किया कि उनको ड्रॉप करने की सूचना पहले ही सिलेक्टर्स ने उनको दे दी थी। चलो शुक्र है सिलेक्टर्स ने उनको कम से कम वैसे तो ट्रीट नहीं किया जैसे कोहली को किया था। इतिहास इस बात का गवाह है। खैर, साहा ने बताया कि पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए कानपुर टेस्ट में वो पेन किलर लेकर खेलने उतरे थे। उस मैच में उन्होंने जबरदस्त 61 रन भी बनाए थे। इतनी डेडिकेशन से अगर कोई पढ़ाई कर ले तो आईएएस पीसीएस बन जाए भाई साहब। क्या बात कर रहे। उनकी इस पारी की वजह से टीम इंडिया को उस टेस्ट में एडवांटेज भी मिला और साहा को मिला बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली का तारीफ करता हुआ व्हाट्सएप मैसेज। दादा ने साहा की पारी की तारीफ करी और कहा कि जब तक मैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट हूं तब तक तुम टीम में रहोगे। साहा का इस मैसेज के बाद छाती एकदम चौड़ा हो गया। लेकिन कुछ ही महीने बाद टीम मैनेजमेंट ने उनको बता दिया कि आगे से बनने वाली टेस्ट टीमों में उनको सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। कोच राहुल द्रविड़ ने तो उनको रिटायरमेंट तक लेने की सलाह दे डाली। साहा का इंटरव्यू जंगल में आग की तरह फैल गया। कोलकाता में तीसरा T20 मैच जीतने के बाद कोच राहुल द्रविड़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए तो मीडिया ने उनसे मैच और सीरीज के बारे में न पूछकर रिद्धिमान साहा पर सवाल दागे। अब द्रविड़ सर तो भाई द्रविड़ सर हैं। जब शोएब अख्तर की बाउंसर इतनी अच्छे से खेल लेते थे तो मीडिया वालों के सवालों की क्या बिसात है भाई साहब, है ना। उन्होंने कहा कि रिद्धिमान साहा के लिए उनके मन में वही रिस्पेक्ट है जो श्रवण कुमार की अपने माँ बाप को लेकर थी। भारतीय क्रिकेट में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उस लौंडे की तरह है जो ग्रुप प्रोजेक्ट में सबसे आगे बढ़कर काम करता है। लेकिन इस साल टीम इंडिया को सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। ऋषभ पंत ऑलरेडी टीम इंडिया के प्राइमरी विकेट कीपर हैं और ऐसे में टीम मैनेजमेंट चाहता है कि पंत के अंडर में एक युवा विकेट कीपर को ग्रूम होने का मौका मिले। इस केस में वो विकेट कीपर KS भरत हैं। ऐसे में साहा टीम इंडिया के फ्यूचर प्लान में सेट होते ही नहीं और ये बात साहा को मीडिया से पता चले, इससे बेहतर है कि टीम मैनेजमेंट ने उनको बता दिया। तो ये तो भैया हुआ रायते का एक पार्ट जो फैला हुआ है। अब इस रायते में बूंदी डाली रिद्धिमान साहा के ट्वीट ने। साहा ने एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें एक पत्रकार उनसे इंटरव्यू की मांग कर रहा है। चैट विंडो में उस पत्रकार की तरफ से साहा को एक मिस कॉल भी मारी गई है। उस मिस कॉल के बाद धमकी भरे अंदाज में पत्रकार ने लिखा है, तुमने मुझे कॉल नहीं किया, अब मैं तुम्हारा इंटरव्यू कभी नहीं लूंगा, मैं अपनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करता और इस बेइज्जती को मैं याद रखूंगा, तुम्हें नहीं करना चाहिए था ये। ये चैट का स्क्रीनशॉट लगाते हुए रिद्धिमान साहा ने ट्वीट किया कि मैंने भारतीय क्रिकेट की इतनी सेवा करी है और मुझे एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट से ये सब सुनने को मिल रहा है। जर्नलिज्म कितना नीचे गिर गया है। वेल, जर्नलिज्म कितना नीचे गिर गया है साहब भैया, वो देखने के लिए तो आपको 4-5 JCB मशीन लगवानी पड़ जाएगी। लेकिन उस वक्त इससे भी बड़ा सवाल ये था कि ये पत्रकार आखिर हैं कौन भाई साहब। खैर, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ नाम गेस तो किए हैं और वो नाम सोशल मीडिया पर घूम भी रहे हैं। उन पत्रकार की तरफ देखकर मैं मोदी जी के स्टाइल में यही कहना चाहता हूँ, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। अब कौन से सज्जन है या दुर्जन है और क्या तकलीफ है उसके बारे में तो चलो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहली बात यह है कि ऐसा धमकी भरा मैसेज साहा भाई को भेजना। मीडिया का स्तर क्या इतना गिर चुका है कि वहां तक पनडुब्बी भी नहीं पहुंच सकती। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म खास अलग नहीं है भाई साहब इसमें। ऐसे में अपने खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा बीसीसीआई पर आता है। रही बात साहा को टीम से निकाले जाने की, तो देखिए मेरे मन में उन सभी विकेट कीपर्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो धोनी के एडा में खेले हैं। इसलिए क्योंकि धोनी भारतीय क्रिकेट में इतना बड़ा नाम बन गए कि जब तक
तक वो खेले, सिलेक्टर्स को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उनकी जगह किसी और को मौका दिया जाए। यही वजह है कि दिनेश कार्तिक और रिद्धिमान साहा से मेरी खास हमदर्दी है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे और अगर इनकी टाइमिंग गलत ना होती तो शायद भारत के लिए वो सैकड़ों और मैचेस खेलते। साहा ने जब भी प्रदर्शन किया A1 बढ़िया किया, इसलिए उनको ये कहा जाना कि अब वो सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे उनको निराश तो करेगा ही ना भैया। लेकिन याद रखिए, स्पोर्ट्स कभी गारंटी के साथ नहीं आता। और कानपुर टेस्ट में उनकी बेहतरीन पारी के बावजूद KS भारत को विकेट कीपिंग करते देखते ही बहुत लोग समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि साहा फिलहाल रणजी में और फिर IPL में गुजरात की टीम के लिए ऐसा प्रदर्शन करें कि सिलेक्टर्स की नजर में फिर से आ जाएं, वरना साहा भाई यहीं तक था जो था, अब क्या बोले। लेकिन हमारा आपका साथ कल भी रहेगा, उसके बाद भी और उसके बाद भी और उसके बाद भी। एक बहुत बढ़िया कंट्रोवर्सी पर हमारी नजर और बनी है, उसका वीडियो लेकर हम कल हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आप जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएंगे, ठीक है? उंगली का सही उपयोग करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ, इस वीडियो को शेयर करके और भी लोगों तक पहुंचाओ। अपना ख्याल रखो, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।